हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे लिब्रे ऑफिस डेटाबेस। लिब्रे ऑफिस के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, आपके स्क्रीन में लिब्रे ऑफिस रहेगा, उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद वहाँ पे सबसे पहले फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, यहाँ पे डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है। डेटाबेस करने के बाद यहाँ पे क्रिएट ए न्यू डेटाबेस नहीं करना है, आपको कनेक्ट टू एग्जिस्टिंग डेटाबेस करना है। ड्रॉप डाउन मेनू में यहाँ पे आपको डी बेस करके डालना है और उसे नेक्स्ट करना है, और उसके बाद ब्राउज में जाके सिलेक्ट फोल्डर करके फिनिश करना है। और डेटाबेस का जो भी नाम आया हुआ है वैसे नाम डाल सकते हैं। स्टूडेंट करना है तो स्टूडेंट एसटीडी डाला, या और कोई नाम डालना है जैसे न्यू डेटाबेस है स्टूडेंट 123, मैंने एसटीडी डाल दिया और मैंने इसे सेव किया। या तो स्टूडेंट लिखो, आप सबसे बेस्ट है स्टूडेंट ही लिखो वहाँ पे, क्योंकि नाम अलग मत करना, स्टूडेंट ही रखना वहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, उन्होंने बोला है कि वहाँ पे आपको एक टेबल क्रिएट करना है विद फील्ड नेम। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट द टेबल डिज़ाइन, वहाँ पे फील्ड नेम में सबसे पहले डाला रोल नंबर। रोल नंबर हम लोग नंबरिंग में डालते हैं 1 2 3 4 5 6, तो टेक्स्ट नहीं रहेगा, कैरेक्टर नहीं रहेगा, यहाँ पे क्लिक करके उसे इंटीजर, इंटीजर मतलब नंबर्स हो गए, मतलब डबल नंबर रहेंगे तो डबल में डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं, लेकिन इंटीजर हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। सेकेंड दिया हुआ है उसमें फील्ड नेम, तो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम टेक्स्ट में ही टाइप करेंगे, किसी का नाम लिखना है तो ABCD में ही टाइप करेंगे, या तो राजू का हम लोग RAJU ऐसे लिखते हैं तो टेक्स्ट ही रहेगा। उसके बाद फील्ड नेम दिया उन्होंने, यहाँ पर दिया हुआ है क्लास। क्लास जो है हम लोग क्लास क्या दे सकते हैं, मतलब जैसे ये 12 क्लास है या तो 11 है तो भी नंबर में दे देते हम लोग, या तो टेक्स्ट में लिखना है तो टेक्स्ट में भी दे सकते हैं हम लोग, जैसे चाहे वैसे। अगर 12 लिखा तो नंबर भी जा सकता है, तो मैंने इसे टेक्स्ट ही लिख दिया। और उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे डिवीजन, और ये जो है डिवीजन को मैंने यहाँ पे, डिवीजन हमारा जो रहेगा तो ABC में ही रहेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा वो भी टेक्स्ट में ही जाएगा मेरा। उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है सिटी, सिटी भी मेरा टेक्स्ट में ही जाएगा। और लास्ट वन दिया है उन्होंने, फील्ड का नाम दिया हुआ है बर्थ डेट करके, ये डेट ऑफ बर्थ DOB, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए उन्होंने डेट लिखा हुआ है। ये टेबल का फील्ड हो गया, तो इसे मैंने जिस तरह से क्लिक किया, कहाँ कहाँ के क्लिक किया, वैसे ही तुम लोग को टेक्स्ट में टाइप करना है, जैसे कि मैं एक टाइप करके दिखा रहा हूँ, लेकिन प्रोग्राम हम लोग आगे जाते, पहले प्रोग्राम आगे जाते हैं फिर बाद में लिखते हैं। तो ये बनाया, और इस फाइल को मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल में जाके इसे क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, सेव। सेव को अब भी टेबल को नाम देना है मुझे, तो टेबल को नाम क्या दूंगा मैं, क्या लिखा है टेबल का नाम, स्टूडेंट। तो यहाँ पर मेरा नाम आएगा ST, स्टार्टिंग में डेटाबेस का नाम था, यहाँ पर मैंने स्टूडेंट करके नाम दिया और इसे ओके कर दिया। ये आपका पहला प्रिंट आउट है, इसका प्रिंट आउट हम लोग निकाल सकते हैं, आपने क्या क्या बनाया, किस तरह बनाया। तो ये सेव होने के बाद ये क्लोज करेंगे हम लोग, इसको मैंने क्लोज कर दिया, यहाँ पे मैंने इसे क्लोज करके ऑप्शन है तो क्लोज के ऊपर क्लिक किया, मेरा डेटाबेस में टेबल यहाँ पे बना हुआ है। तो टेबल को डबल क्लिक किया, और टेबल को डबल क्लिक करने के बाद ये जो है यहाँ पर मैंने डाला 1, मैंने यहाँ पर स्टूडेंट का नाम डाला, कोई भी आपका पहचान वाले किसी का भी नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे क्लास, यहाँ पे मैंने डिवीजन, यहाँ पे अगर टीचर ने पूछ लिया कि क्लास को अपने नंबरिंग में क्यों डाला, क्योंकि इसका हम लोग टोटल नहीं करते, जिसका हम लोग टोटल करते हैं उसको ही हम लोग न्यूमरिक बोलते हैं, नंबरिंग बोलते हैं। तो टेक्स्ट का 12 का हम लोग टोटल नहीं करने वाले। सिटी मुंबई, थाने मुलुंड थाना, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ मैंने लिखा 1/1/2004 लिखा, जैसे इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे बढ़ा भी देता हूँ मैं दिखने के लिए। यहाँ पे ये कॉर्नर पे क्लिक करना है, जिसने एक्सेल यूज़ किया उसको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। इसके बाद सेकेंड, ऐसे 8 नंबर डालने हैं, ऐसे 8 रिकॉर्ड डालने हैं, तो कोई भी नाम डाल दो, जैसे सेकेंड में कोई भी पूजा वीजा कुछ भी नाम डाल दिया मैंने। यहाँ पर आगे गया मैं, यहाँ पर 12 या 11, यहाँ पे डिवीजन डाल दिया मैंने, यहाँ पे ठाणे डाल दिया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दिया,
देखो जैसे जैसे आप क्लिक करते करते जाओगे थोड़ा स्पीड बढ़ा देना, फिर उसके बाद हम लोग, मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, आप आराम से टाइप करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप आगे जाने के लिए टैब यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे नाम डाल दिया मैंने और ये डिवीजन डाल दिया मैंने, यहाँ पे सिटी, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद मैंने नाम डाल दिया मैंने यहाँ पे, मैंने दिया फोर, फोर में मैंने यहाँ पे दिया पूजा, यहाँ पे मैंने दिया इलेवन, यहाँ पे दिया मैंने सी, यहाँ पे दिया मैंने, यहाँ पे दिया नाहूर, यहाँ पे दिया मैंने डेट ऑफ बर्थ, जो आए वही नंबर आप डाल सकते हो यहाँ पे। उसके बाद मैंने दिया फिफ्थ, ऐसे 8 रिकॉर्ड आपको बनाना है। तो नाम रिटर्न सेम नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप उसका सरनेम चेंज कर सकते हो। जैसे ये नंबर डाला हुआ है, उधर मैंने 10 भी दे दिया, यहाँ पे ऐसे कंपलसरी बोला ना स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिखना है, तो आप उसके लिए थाना वापस लिख सकते हो, या तो डेट सेम भी हो सकता है तो भी चल जाएगा। ऐसे 5 रिकॉर्ड डाला मैंने, ये 6वां रिकॉर्ड आपको कंपलसरी ये लिखना ही है। यहाँ पे पूजा और एक बार नाम आया है, तो मैंने यहाँ पे डॉट ए भी दे दिया, यहाँ पे मैंने 11 दे दिया, यहाँ पे मैंने डी दे दिया, यहाँ पे मैंने वापस मैंने मुलुन लिखा, यहाँ पे मैंने आप कलवा लिख सकते हो, ठाणा लिख सकते हो, या तो और कुछ भी सिटी का नाम लिख सकते हैं। 7 हो गया मेरा, यहाँ पे मेरा अनिल करके नाम दिया यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे आप सरनेम के साथ भी नाम लिख सकते हो। जितना वैरायटीज आप दोगे तो सबके प्रोग्राम सेम नहीं लगेंगे, इसके लिए ध्यान में रखना, जितना वैरायटीज अपने को देने को होता है उतना वैरायटीज आप दे सकते हो। और उसके बाद मैंने 8 रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड मेरा जय, यहाँ पे मैंने दिया मैंने 11, यहाँ पे मैंने दिया डी, यहाँ पे दिया मैंने मुलुंड, यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ। जैसे आप ये टाइप कर रहे हैं वैसे ही लिखना है, मैंने टाइपिंग कर लिया। इसके बाद इस टेबल को सेव करना है, आपका आधा से ज़्यादा प्रोग्राम हो गया। टेबल बनाया, टेबल का भी इसका भी प्रिंट आउट होगा। उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल से बोला हुआ है कि फॉर्म बनाना है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, जैसे गलती से भी क्लोज हो गया तो होने दो। उसके बाद उन्होंने बोला फॉर्म बनाओ, मैं फॉर्म में आ गया, डबल क्लिक किया यहाँ पे, या तो क्रिएट फॉर्म कर सकते हैं या तो विजार्ड, मैं डायरेक्टली विजार्ड करूँ, कुछ भी मत करो। विजार्ड में क्या करना है, ओके करना है, विजार्ड यहाँ पे लोड नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं क्रिएट करता हूँ। क्रिएट के ऊपर क्लिक किया मैंने, फॉर्म क्रिएट करने के टाइम आपको इतना ही प्रोग्राम बनाना है। फॉर्म क्रिएट करने के बाद यहाँ पे फॉर्म आ गया है, फॉर्म का डिज़ाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लेकिन फॉर्म में आपको क्या करना है, तो अलग अलग फील्ड के नाम डाले जाते हैं। यहाँ पे टेक बॉक्स है, यहाँ पे टेक बॉक्स लिखा हुआ है, तो ये टेक बॉक्स में हम लोग रोल नंबर लिखेंगे। रोल नंबर के सामने यहाँ पे मैंने फॉर्म बनाने का टेक्स्ट चाहिए, तो टेक्स्ट यहाँ पे मैं लिखने के लिए टेक्स्ट यहाँ पे अरेंज हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग बॉक्स है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने रोल नंबर, और ये फॉर्म को मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, ये फॉर्म को, ये बॉक्स को मैं इसके बाजू में रख दिया। उसके बाद आपको सेकंड बनाना है, यहाँ पे रोल नंबर के बाद दिया उन्होंने क्या दिया हुआ, उन्होंने स्टूडेंट नेम। इतना प्रोग्राम बनाओगे ना तो भी आपका पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे ही। स्टूडेंट नेम भी है ना ऊपर, उसमें पूरा लिखा हुआ है क्या, उतना ही लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ उतना ही है। तो यहाँ पे वापस आप टेक बॉक्स बनाना है, आप सोचो मत लेनती है ये चीज़। इसके बाद फॉर्म में यहाँ पे लिखना है आपको जो क्लास, ये दो ही चीज़ भी करना है। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए के लिए टेक्स्ट लिखने के टेक्स्ट लिखना है और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है। उसके बाद वापस मैंने यहाँ पे आ गया, नीचे की तरफ क्लिक कर दिया और इसके नीचे मैंने टाइप किया, क्या लिखा है यहाँ पे, डिवीजन। तो डिवीजन में यहाँ पे डिवीजन डाल दिया, डिवीजन के बाद मैंने एंटर दे दिया, डिवीजन के बाद दिया हुआ सिटी,
मैं डायरेक्टली नाम लिख देता हूँ, फिर बाद में टेक्स्ट बॉक्स लिख देता हूँ, सिटी के बाद डेट ऑफ बर्थ, या तो वो सेम नाम लिखा वैसे भी आप लिख सकते हो। और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, ये टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ तक, आपको जितना आता है उतना ही आप करोगे, इससे आगे नहीं करोगे। मैंने बनाया मतलब आपको बनाना है ऐसे नहीं, मैं इस फाइल को क्या कर रहा हूँ, फॉर्म को सेव कर रहा हूँ, और फॉर्म को नाम दिया मैंने स्टूडेंट फॉर्म। स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर्म करके मैंने टेबल का ही नाम दिया। और मैंने इसे सेव कर लिया, इसे भी मैंने क्लोज कर दिया, ऐसे के वैसे रहेगा तो भी चल जाएगा। ये भी फॉर्म को मैंने क्लोज किया, दो बार क्लिक हुआ था मेरे ख्याल से, और मेरा यहाँ पे फॉर्म भी बन गया। टेबल के लिए यहाँ पे टेबल है, फॉर्म के लिए फॉर्म है। फॉर्म के ऊपर टेबल क्लिक करोगे तो ऐसे दिखेगा, इसका प्रिंटआउट निकाल के देना है, मतलब मैं निकालूंगा प्रिंटआउट, टेबल में जाना है इसके ऊपर। अगर किसी ने बोला कि प्रिंटआउट, जैसे हम लोग ने स्टेप लिखा, मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले क्रिएट में गया, ऐसे लिखना है आपको, क्या लिखना है देखो, मैं जैसे बात कर रहा हूँ वैसे लिखना है अपने को। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, नोट पैड ओपन कर रहा हूँ, या तो पेन नोट पैड ओपन करता हूँ। नोट पैड में मैंने यहाँ पे गया और सबसे पहले ओपन यहाँ पे लिखा कि मैं फॉन्ट का साइज भी बढ़ा देता हूँ, मतलब आपको दिखाई देगा कि मैंने किस तरह प्रोसेस किया। आपको पेपर के ऊपर क्या लिखना है वो ध्यान में रखना, प्रिंटआउट नहीं करना है आपको, कुछ भी करना है आपको पेपर के ऊपर लिखना है कि डबल क्लिक ऑन रिब्रे ऑफिस, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ ऐसे डैश बनाना है, या एरोज होते हैं ना जैसे ऐसे वाला एरोज, ऐसे एरो सेकंड, मतलब डबल क्लिक रिब्रे ऑफिस। सेकंड स्टेप क्या हो गया, यहाँ पे ऊपर लिख सकते हो आप, मतलब सॉल्यूशन करके ऊपर लिखना है आपको सॉल्यूशन के बाद आपने यहाँ पे क्या लिखा, स्टेप वन में आपने लिखा डबल क्लिक ऑन रिब्रे ऑफिस, हो गया। फिर उसके बाद लिखना है क्रिएट द डेटाबेस, विथ नेम, या तो आपके बुक में जो लिखा हुआ स्टेप बाय स्टेप वो लिखोगे तो भी चलेगा, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन आपको उसी तरह लिखोगे तो बेटर रहेगा। या तो आपका टेक्स्ट बुक्स रहेगा, उसमें भी उन्होंने स्टेप दिए हुए हैं, उस स्टेप में कैसे लिखा हुआ है, तो उन्होंने सीधा लिखा हुआ है कि स्टेप वन फॉलोइंग उन्होंने दिया हुआ है। फर्स्ट आपका बुक में लिखा है कि ओपन द डेटाबेस, लेफ्ट पैनल क्लिक द टेबल आइकॉन, ये पहला डबल क्लिक ऑन रिब्रे ऑफिस बराबर है आपका। ओपन ए डेटाबेस एंड फॉर्म द लेफ्ट पैनल क्लिक ऑन टेबल्स आइकॉन, एंटर। सेकेंड वाला सेकेंड स्टेप है, टू नंबर डालेंगे इसको, वन नंबर डाल देंगे हम लोग, वन नंबर। इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे सेकेंड नंबर, ये बाहर कर लेना, सेकेंड नंबर यहाँ पे फॉर्म द लेफ्ट राइट क्लिक द क्रिएट द टेबल डिजाइन व्यू, थर्ड दिया हुआ उन्होंने विंडो विल बी अपीयर ऑन द स्क्रीन, टाइप द फील्ड नेम, ये सेकेंड हुआ, थर्ड हो गया आपका, ये विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, टाइप ए फील्ड नेम। ये पेज नंबर 85 अपना बुक अगर ओपन करोगे तो वहां पे 85 में आपको क्या लिखना है वो मिल जाएगा। वो लिखने के बाद लिखा है सिलेक्ट द फील्ड टाइप फोर्थ,
फोर लिखा है सिलेक्ट द फील्ड टाइप और टाइप लिखा हुआ है, बाकी का ब्रैकेट वाला कुछ भी मत लिखो, एग्जाम्पल आगे लिखना है ब्रैकेट में, एग्जाम्पल रोल नंबर, रोल नंबर नेम बस कॉमा नेम एंटर। उसके बाद फाइल नंबर, फाइल नंबर में आएगा आपका, उसके बाद देना है डायरेक्टली डबल क्लिक ऑन द टेबल, नहीं एक्चुअली इसके बाद रोल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे लिख देना क्लिक ऑन द फाइल एंड सेव द टेबल नेम एज ए टेबल बस। बाकी के स्टेप भी मत लिखो, मैं तो बोलता हूँ इतने सारे स्टेप बनाने की जरूरत नहीं, इतने में हो जाता है। एंटर, टेबल का नाम दिया, वो हो गया अपना, हो गया देने के बाद ये हो गया अपना टेबल के लिए। और जो आपने टेबल बनाया था, जैसे कि ये जो स्क्रीन है ये तो मैं सेव करके रख देता हूँ, तुम लोग को भेजता हूँ मैं ये भी फाइल, ये मैंने नाम दिया यहाँ पे डेटाबेस, ये तुम लोग को प्रिंट आउट नहीं निकालना है यहाँ पे, ये क्या करना है तुम लोग को अपने आंसर शीट में लिखना है। डेटाबेस बस सेव किया, आंसर शीट में लिखना है आपको। ये आंसर शीट में लिखने के बाद, टेबल का लिखने के बाद है ना, फिर आपको टेबल में जाके डबल क्लिक करोगे ना, इसका प्रिंट आउट है ना मैं खुद निकालूंगा, या तो इसका स्क्रीनशॉट निकालेंगे, और स्क्रीनशॉट निकालने के बाद वो आपको प्रिंट आउट चिपकाना है। ये हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या बनाया था, उसके बाद आपने बनाया था, आपने बनाया था फॉर्म, फॉर्म का भी सेम लिखना है, सेलेक्ट द फॉर्म, यहाँ पे वापस हम लोग को चाहिए तो लिख सकते हैं, मैं नोटपैड में जाते हूँ, नोटपैड हाँ, मतलब ये आंसर शीट में लिखना है आपको, यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको। अभी सेकेंड ऑप्शन दिया है सिलेक्ट द फॉर्म ओके, डबल क्लिक ऑन फॉर्म, सिलेक्ट द फॉर्म एंड सेलेक्ट द फॉर्म के बाद आपको कैसे, इन्होंने फॉर्म सिलेक्शन का कुछ बनाया है क्या, हाँ मेरे ख्याल से फॉर्म सिलेक्शन का बनाया हुआ है, तो उन्होंने पूरा का पूरा पेज नंबर 90 करके दिया हुआ है, पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 में यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने 1 2 3 4 स्टेप है, अगर वो स्टेप आप विजार्ड के तरह जाते हो तो दो लाइन लिखोगे तो भी चलेगा, जैसे कि फर्स्ट जो लिखा हुआ है लाइन में उन्होंने दिया ओपन द डेटाबेस फ्रॉम द लेफ्ट पैनल फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो मैंने लिखा हुआ है फॉर्म, सिलेक्ट द फॉर्म लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ लिखना है आपको क्लिक ऑन द विजार्ड फॉर्म, देन लास्ट में डायरेक्टली लाइन लिख दो ना, अगर इतना सारा बाहर नहीं करना है तो क्लिक ऑन द फाइल एंड सेव द फॉर्म। ओके, और बाद में हम लोग ने सेव रखने के बाद इतना लिखो, और फॉर्म का जो प्रिंट आउट है, मतलब फॉर्म का जो प्रिंट आउट है, यहाँ पे इसको नाम देता था फॉर्म करके, मैं ये भी भेजूंगा, ये फॉर्म है, इसका जो प्रिंट आउट आएगा ये हम लोग चिपका देंगे। क्लियर है, विजार्ड लिखोगे या तो कुछ भी लिखोगे तो उस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसका आउटपुट हो सकता है, हो सके तो आप वीडियो देखो, ज़्यादा अगर टाइम का रहेगा तो भी आप देखो, डेटाबेस ही आपको करना है तो ये डेटाबेस इस तरह कर सकते हो, अब भी प्रोग्राम चेंज नहीं होगा।